दोनों का गुणनखंड पहले तोड़ना पड़ता है। अभी पूरे क्वेश्चन का गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहला फैक्ट क्या होता है कि पहला और अंतिम का गुना करते हैं, क्या करते हैं, एक से स्क्वायर में गुना करना है माइनस दस से, ठीक है, ध्यान समझिएगा, हम इजली हैंडल हो जाएगा, पूरा आएगा माइनस दस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें जो भी संख्या या अंक है उसको बाहर निकाल लीजिए, इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए, दो पचे, अब बात दो, ध्यान सुनिएगा, ये जो गुना करके आया ना इसको दो भाग में तोड़ना है आपको, जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला ला देना है और गुना करने पर फिर इतना ला देना है, क्लियर, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला होना चाहिए माइनस तीन और गुना करने में फिर कितना चाहिए माइनस दस, ठीक है, अब बाकी तो एक्स लगा देंगे तो उतना आ जाएगा। अब बताइए कि दो में यदि हम पांच जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और दो में से यदि पांच घटाएंगे तो कितना आएगा, अच्छा ये दोनों में से कौन ट्रू हो रहा है, मैं माइनस घटा वाला ना, यानी दो में से माइनस पांच कर रहे हैं तो माइनस तीन आ रहा है, ये सही है घटाने पे, और दो में माइनस पांच से गुना करेंगे तो माइनस दस नहीं आ रहा, ठीक है, यही विधि इस पे काम कर रहे हैं, ये वाला विधि आपका गलत हो जा रहा है, यही चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में दो है तो प्लस में दो एक्स कर दीजिए और माइनस में पांच है तो माइनस में पांच एक्स लिखिए और माइनस दस बराबर जीरो। अब देखिए आपको लग रहा होगा कथी कि तीन टूटा है, यहाँ पे तीन टूटा है ना, और ये वाला दस पे दस है, तो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो प्रथम और अंतिम वाला जैसे को तैसे रहता है और बीच वाला आकर के टूट जाता है, लेकिन बीच वाला टूटा कैसे, प्रथम और अंतिम के मदद से, ठीक है, अभी दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स निकालते हैं बच्चा, एक्स बाहर निकल जाते क्या बच्चा, बाहर लिखने का मतलब है दोनों में से बाहर निकला है, ठीक है ना, जितना दूर में घेर देंगे उतना के भेद से ही निकल चुका है, ये दोनों में क्या मिल रहा है माइनस, और पांच और दस क्या चीज के पारा में आता है, पांच के पारा में, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो पांच के पारा में पांच और दस आता है मतलब पांच निकाल लेंगे, तो माइनस पांच निकालेगा तो कभी बचा एक, समझिएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पांच के पारा में दस क्या होता है बराबर, अभी दोनों के बदले क्या लिखते हैं, कहने का मतलब इस सौसे में से एक्स प्लस टू हम कॉमन ले लिए तो कथी बचा एक बराबर, इसको बोलते हैं बाबू गुणनखंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोग गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, ये सब नाइन्थ में पढ़ना था, इतना हो गया आपका गुणनखंड, अब हमको मूल ज्ञात करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अलग अलग करके जीरो कीजिए, तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स का हो जाएगा माइनस टू, पुनः एक्स माइनस पांच और जीरो तो एक्स का हो जाएगा पांच, यही दो गो मूल हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण का रूल ही होता है कि कै गो शून्य होता है, मूल होता है दो गो मूल होता है, ठीक है ना, नोट कीजिए, चले बाबू अब इसको देखना है कि इसका गुणनखंड कैसे होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है, बस बारीकी से तुम देखो ध्यान से, हल्ला मत करना, क्या होगा माइनस बारह एक्स स्क्वायर, क्लियर है, अब इस बारह को दो भागों में तोड़ो, तीन भाग में टूट गया ना, अब ये तीन भाग को दो भाग कर लो, दो दुना कितना होता है, वो क्या हो गया तीन, चार में से तीन घटा कितना बचेगा, अच्छा प्लस एक आया ना, हमको प्लस एक ना चाहिए थे, अरे जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक रहता ही नहीं रहता है, प्लस एक आ गया, और देखिए चार में से तीन घटा है तो चार में माइनस तीन से गुना करेंगे तो माइनस बारह होगा, नहीं होगा, पूरा एकदम सुटेबल है, अप्लाई कीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस में चार एक्स माइनस में तीन एक्स और माइनस छः बराबर जीरो, यहाँ पे हम लोग अंक का काम किए हैं, यहाँ पे हम लोग साथ साथ क्या चार पद ही ले रहे हैं, ताकि इसका एक्स ना चाहिए हमको, चार में से तीन घटाया था एक हुआ, एक्स चाहिए तो एक्स देंगे नहीं तो एक्स लाएंगे कहाँ से, एक्स देना पड़ेगा, अब देखिए ये दो और चार कथी के पारा में आता है, दो के पारा में, तो दो कॉमन ले लीजिए, और दोनों में एक्स है तो एक्स भी कॉमन ले लीजिए, ध्यान सुनिएगा दो निकल गया एक्स स्क्वायर में से एक्स भी निकल गया, तो क्या बचा अब प्लस, एक्स बाहर निकल गया और चार दो के पारा में क्या मतलब आता है, ठीक, अभी दोनों में माइनस मिल रहा है और तीन और छ कथी के पारा में आता है, तीन के पारा में, तो बच गया एक्स माइनस माइनस प्लस, तीन के पारा छ मतलब छ क्या मतलब दो,
तीन के पारा में छह का मतलब है दो बराबर। अभी दोनों को कॉमन ले लेंगे तो दोनों के बदले अलग वाले को बराबर क्लियर। अब क्या कर लेंगे देख लीजिए, ये कथी निकल गया गुणनखंड, भेजे में सेट कर लीजिए क्या निकला निकला अलग अलग कर लीजिए, एक्स प्लस टू बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस टू, पुनः 2x माइनस तीन बराबर जीरो तो 2x बराबर माइनस से तो क्या जाएगा x बराबर तीन, अभी गुना में है तो कोई दिक्कत हो गया क्लियर। नोट कीजिए शुरू करें, अब इसको भी उसी तरह करेंगे लेकिन ये रूट वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और कॉन्शियस होकर सोचिएगा। इसमें रूट टू एक्स स्क्वायर को गुना कीजिए पांच रूट दो से, इसके बाहर क्या छुपा हुआ है तो पांच का ही पांच, रूट दो से गुना किया तो रूट दो का होल स्क्वायर, अब बच गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, पांच गुना दस एक्स स्क्वायर। अब इस दस को हमको तोड़ लेना है दो भागों में, दो पंजे तो दो और पांच को जोड़िएगा ना तो कितना भाग हो जाएगा, तो बीच वाला तो आ गया, बड़ा सुंदर बात है, लेकिन दो और पांच को गुना कीजिए तो कितना आ गया, ये भी आ गया, कोई दिक्कत रखते हैं यहाँ पे। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस क्या करेंगे पांच रूट बराबर। अब हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों में मिलाना है कि क्या क्या चीज कॉमन हो रहा है, ये दोनों में क्या मिल रहा है। अभी आप लोग गलती क्या कीजिएगा ना, यू हम बता देते हैं, सही कैसे करेंगे यू हम आपको बता देते हैं। दोनों में क्या मिलेगा एक्स, फिलहाल क्या मिल रहा है एक्स, तो आपको मिलेगा रूट टू एक्स बचेगा, प्लस में क्या बचेगा दो, दोनों में क्या मिल रहा है पांच, तो क्या बचेगा एक प्लस का भी बचेगा रूट टू बराबर। हम बार बार बाबू बोलते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला यदि बराबर हो गया तो आपका गुणनखंड सही है, वरना क्या है क्या दोनों बराबर आया, ये गलत जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं ना। तो जब काम सही किए कि नहीं किए, मिल रहा है वो कॉमन ले रहे हैं, लेकिन ये हमको एक समान होने नहीं दे रहा है, तो नहीं होने दे रहा है तो हो आएंगे ना अपना से कुछ लचला पचा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा देख लिए, लाइने पर रहिए आप लोग, ठीक है ना, लाइने पर रहिएगा आप लोग। अब देखिए रूट टू एक्स स्क्वायर, अच्छा ये दो को हम लिख सकते हैं रूट दो गुने रूट दो, अब आप ही बताइए ना यहाँ रूट दो मिल के सीधे दो बना है कि नहीं बना, तो क्या हम दो के बदले रूट दो नहीं लिख सकते हैं, रूट दो है एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस ये रहना दे पांच एक्स प्लस पांच रूट बराबर जीरो, सही है। अब आप देखिएगा अब दोनों में क्या मिल रहा है, रूट दो मिल रहा है और एक्स भी मिल रहा है, ध्यान दीजिए तो रूट दो निकल गया एगो एक्स निकल गया, एक्स बचा प्लस रूट दो एक्स पूरे बाहर है तो क्या बचा यहाँ पे कनिक सा भी दिक्कत, प्लस ये दोनों में पांच मैच कर रहा है तो पांच निकाल लीजिए तो एक्स प्लस क्या बचेगा बराबर। अब देखिए तो कंडीशन सही है, ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर आ गया, मतलब मेरा गुणनखंड 100% सही है, पहले क्या था गलत हो रहा था, दोनों समझ में आया गलती कहाँ हो जाएगा सही क्या हो जाएगा। अभी दोनों के बदले क्या लिखेंगे एगो लिखेंगे और अलग वाले को एक साथ बराबर। अब कर लीजिए कथी एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस रूट टू, पुनः रूट टू एक्स प्लस पांच बराबर जीरो तो रूट टू एक्स बराबर प्लस से माइनस में पांच जाएगा एक्स बराबर माइनस पांच और गुना से आ जाएगा बाटा में, क्लियर। नोट कीजिए